उत्तराखंड में एक बार फिर विपक्ष ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साक्ष्य मिटाने के आरोप में कार्रवाई की मांग की है। करण महारा का कहना है कि विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर बनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाकर साक्ष्यों को मिटाया गया था और ये बात कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड के गवाह जेसीबी चालक दीपक ने कोर्ट में गवाही देते हुए कही। ये कानून में निहित है कि अगर कोई बड़ा जघन्य अपराध होता है उसके सबूतों के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो 201 के तहत और 120 बी के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, क्योंकि अपराध करने वाला भी उतना ही बड़ा अपराधी है जितना अपराध को छिपाने के लिए उसके सबूतों के संग छेड़छाड़ करने वाला। मुख्यमंत्री को, वर्तमान डीजीपी को, एसडीएम को और रेणु बिष्ट को, ये तीनों चारों दो के लिए तो खैर गवाही खुद डोजर ऑपरेटर ने दे दी। दो के जो ट्विटर मैंने आप लोगों को दिखाए हैं अभी, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने हैंडल से डाल रहे हैं कि हमने देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष या कांग्रेस के किसी व्यक्ति के बोलने पर किसी पे आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं होते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी कांग्रेस दुर्भाग्यपूर्ण अंकिता हत्याकांड पर डे वन से लगातार राजनीति कर रहे हैं, उसका परिणाम भी उनको सामने आया है। जब उन्होंने अंकिता हत्याकांड को लेकर के गढ़वाल लोकसभा सीट पर एक अभियान चलाने का प्रयास किया, लेकिन उत्तराखंड की उस गढ़वाल क्षेत्र की किसी भी जनमानस ने उनका सहयोग नहीं किया, उस कारण वो